आज की इस वीडियो में हम बायोप्सी के बारे में बात करने वाले हैं हम जानेंगे बायोप्सी क्या होती है ये कैसे की जाती है और कैसे हम इसकी रिपोर्ट को रीड करते हैं तो हमारे सामने इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं लेकिन रिपोर्ट को देखने से पहले हम बायोप्सी के बारे में जान लेते हैं कि बायोप्सी कैसे की जाती है देखिए बायोप्सी दो वर्ड से मिलकर बना होता है बायो प्लस ऑप्सिस यहाँ पर बायो का मतलब है लाइफ और ऑप्सिस का मतलब है विजन यानी कि यहाँ पर हमारे बॉडी के किसी लिविंग टिश्यू को एग्जामिन किया जाता है तो इसमें क्या करते हैं इसमें हमारे जिस बॉडी के ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से एक छोटा सा टिश्यू को काट लेते हैं और उसे लैब में भेजते हैं देन वहाँ पर उसका एग्जामिन किया जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर्स आपको बायोप्सी कराने के लिए कब बोलते हैं या फिर बायोप्सी किस किस कंडीशन में कराई जाती है तो यहाँ पर पहली कंडीशन है एनी लेजन डेट प्रसिस्ट फॉर मोर देन टू वीक्स विद नो अपरेंट इटोलॉजिक बेसिस यानी कि कोई भी ऐसा लेजन हो लेजन का मतलब होता है एनी एबनॉर्मलिटी हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी हो जो कि दो हफ्ते से ज़्यादा हो और उसका कोई भी इटोलॉजिकल कॉज ना हो यानी कि हमें पता ना चल रहा हो कि ये किस वजह से हुआ है तो इस कंडीशन में बायोपसी कराई जाती है इसका दूसरा कारण है एनी इन्फ्लामेटरी लेसन डैट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू लोकल ट्रीटमेंट आफ्टर टेन टू फोर्टीन डेज यानी कि कोई भी ऐसा इन्फ्लामेटरी लेसन हो यानी कि कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी हो जो कि दस से चौदह दिन में ठीक ना हो रही हो यानी कि हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके बावजूद भी वो ठीक ना हो रही हो तब भी डॉक्टर्स आपको बायोप्सी भी कराने के लिए बोल सकते हैं इसके अलावा एनी परसिस्टेंट ट्यूमर सस्पेक्टेड बीइंग न्यू यानी कि कोई भी ऐसा ट्यूमर हो जो कि लंबे समय से बना हुआ हो और उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो तब भी डॉक्टर्स आपको बायोप्सी कराने के लिए बोल सकते हैं जान लेते हैं कि बायोप्सी कितने टाइप की होती है देखिए बायोप्सी कई टाइप की होती है जैसे कि एक्ससीजनल वायपसी इनसीजनल बायोप्सी पंच बायोप्सी फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी एफ एंड ब्रूस बापसी। लेकिन इनमें से हमें केवल तीन ऐसी वापसी हैं जिनकी बहुत ही जरूरत होती है जैसे कि एक्स सीजनल वापसी इन सीजनल वापसी एंड एफ एन तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे तो पहला यहां पर एक्स सीजनल वापसी देखिए यहां पर है एक्स सीजन मीन पूरे टिशू को बाहर निकाल देना तो इसमें पूरे टिशू या फिर जो डैमेज होता है उसे पूरे को ही बाहर निकाल देते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं पहला एक तो हमें यह पता चल जाता है कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं या फिर उसमें कौन सी प्रॉब्लम है और दूसरा जो हमारा कोज था या फिर जो हमारी बीमारी थी वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है ये हम केवल ऐसे टिशू में या फिर ऐसे ट्यूमर में करते हैं जो कि दो सेंटीमीटर से कम होता है यदि दो सेंटीमीटर से कोई भी टिश्यू कम होता है तो हम उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं मीन्स इसमें डायग्नोस्टिक एंड थेरोपैटिक दोनों ही फायदे हो जाते हैं यानी कि बीमारी का पता भी चल जाता है और यहाँ पर उसका इलाज भी हो जाता है तो इसलिए हमें अलग से फिर कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि जो लेसन है वो दो सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए तो यहाँ पर हमने इसकी एक इमेज भी लगाई है मान लीजिए ये कोई ट्यूमर है या फिर कोई भी डैमेज है तो हम इसे पूरा का पूरा कट कर लेते हैं और इसे पूरे को बाहर निकाल देते हैं देन इस हिस्से को हम यहाँ पर सिल देते हैं इससे हमारा पूरा का पूरा जो डैमेज होता है वो पूरा बाहर आ जाता है तो यहाँ पर हम इस डायग्राम से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं देखिए एक स्किन लेसन है तो हम इसे पूरा का पूरा इस तरह से काट कर बाहर निकाल देते हैं बस ये दो सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए तो ऐसा हम एक्स बायोप्सी में करते हैं देन इसके बाद है इन सीजनल बायोप्सी तो इसमें हम क्या करते हैं देखिए इसमें हमें एक छोटा सा पार्ट ही निकालना होता है जब भी कोई ग्रोथ या फिर कोई ट्यूमर दो सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है तो उस समय हम इन सीजनल बायोप्सी करते हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लेते हैं देन उसे लैब में भेज देते हैं तो देखिए आप मान लीजिए ये कोई ट्यूमर है या फिर कोई लेसन है तो हम इसका छोटा सा पार्ट ही बाहर निकालते हैं तो इसे हम इन सीजनल बायोप्सी कहते हैं दैन इसके बाद है फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी यानी कि एफ एन ए सी तो ये कम इन्वेसिव होता है क्योंकि इसमें हम निडल का यूज़ करके या फिर इंजेक्शन का यूज़ करके डैमेज टिश्यू को बाहर निकाल लेते हैं तो इसे हम अपने बॉडी के सुपरफिशियल एरिया में यूज़ करते हैं जैसे कि ब्रेस्ट थाइरॉयड एंड लिम्फ नोड और देखिए एफ एन ए सी एक क्विक मैथड होता है और इसमें पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसे समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी लगाया हुआ है हम इस तरह से सरेंज को इंसर्ट करते हैं दैन उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को रखते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि हमें सरेंज को कहाँ पर इंसर्ट करना है और अंदर से हम टिश्यू को बाहर निकाल लेते हैं इस डायग्राम में ब्रेस्ट का एफ़नएसी दिखाया हुआ है कि ब्रेस्ट का एफ़नए कैसे करते हैं देखिए इस तरह से सरिंज को इंसर्ट करते हैं और जो डैमेज टिश्यू होता है उसे इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं और उसे ग्लास पे रखकर लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं जब यह सैंपल लैब में पहुंच जाता है तो वहाँ पर टेक्नीशियन को इसकी फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं इसलिए हमें इसकी रिपोर्ट मिलने में दो से तीन दिन कभी कभी पाँच छः दिन भी लग जाते हैं साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि वापसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या फिर क्या क्या खतरे हो सकते हैं तो पहला यहाँ पर स्प्रेडिंग यानी कि जो आपका इन्फेक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो सकती है इन्फेक्शन हो सकता है वुंडिंग ऑफ कैंसर टिशू यानी कि जो कैंसर टिशू है उसमें चोट लग सकती है या फिर ऑपरेटिव ट्रोमा यानी कि ऑपरेशन के दौरान या फिर प्रोसीजर के दौरान कोई चोट लग सकती है यहाँ पर हमारे पास में कुछ रिपोर्ट्स भी हैं तो उन्हें भी हम देख लेते हैं हमारे पास पहली रिपोर्ट है लेफ्ट ब्रेस्ट लमकी की बापसी रिपोर्ट तो यहाँ पर दिया हुआ है बापसी इज सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा कार्सिनोमा मीन्स होता है कैंसर मीन्स इस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है देन यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है इन सीजनल बापसी की तो यहाँ पर दिया हुआ है मेलिगनेंट न्योप्लाज्म फेवरिंग हाई ग्रेड एडिनो कार्सिनोमा राइट पैरोटिड ग्लैंड यानी कि इसके राइट पेरोटिड ग्लैंड में एडिनो कार्सिनोमा है एडिनोमीन्स ग्लैंड और कार्सिनोमा मीन्स कैंसर यानी कि ग्लैंड का कैंसर यानी कि इनकी राइट पैरोटिट ग्लैंड में कैंसर हो चुका है अगली रिपोर्ट हमारे पास एफ एन ए सी की है मीन्स फाइन इडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी तो यह है एफ एन ए सी लंप एट राइट ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा नो एविडेंस ऑफ मेलेग्नेंसी यहाँ पर मेलेग्नेंसी का कोई भी एविडेंस नहीं है मेलेग्नेंसी का मतलब होता है कैंसर यानी कि यहाँ पर कैंसर सेल नहीं है यहाँ पर है फाइब्रो एडिनोमा मीन्स नोन कैंसर ट्यूमर तो यहाँ पर सिंपल uh, सा एक ब्रेस्ट ट्यूमर हो चुका है अगली रिपोर्ट में दिया है सजेस्टिव ऑफ डक्टल कार्सिनोमा डक्टल मीन्स होता है मिल्क डक्ट यानी कि जो मिल्क की डक्ट होती है उसमें कार्सिनोमा हो चुका है कार्सिनोमा मीन्स कैंसर यानी कि मिल्क डक्ट का इन्हें कैंसर हो चुका है तो इस तरह से हम बायोप्सी uh, की रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू वेरी मच